Hello, welcome to Arbind Singh Academy, and we are discussing tissue, and this is a video lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching part 6. In this lecture we will discuss about the complex permanent tissue. As we know and we have discussed about the permanent tissue are of two type, simple permanent tissue hota hai aur ek complex permanent tissue hota hai. Kya dono mein fark hota hai ye maine pehle bataya hai, fir bhi ek bar recall kara deta hu. Simple permanent tissue mein jo tissue hote hain wo ek jaise hote hain, similar type ke form tissue hote hain jo ek sath milte hain, aur similar type ke cells hote hain jo mil karke ek tissue banate hain. So simple tissue, permanent tissue are the tissue of cells, tissue made of similar cells. While in complex permanent tissue, there are different type of cells are formed together, combined together, grouped together, and they form a tissue. So complex tissue में अलग अलग तरह के cell हो सकते हैं, और ये मिल करके क्या बनाते हैं, ये हमारा बनाते हैं complex permanent tissue. So हम बात कर रहे हैं lecture number 6 की, और ये topic है tissue, जैसा कि बात कर रहे हैं tissue. और आज हम बात करने वाले हैं किसका, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू राइट, ये जो है इसकी हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की. ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता कैसा है जरा ये समझ लीजिए कि ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है. इसमें ये तरह तरह के, एक तरह के सेल नहीं मिले हैं, इसमें कई तरह के सेल मिले हुए हैं, और कई तरह के सेल मिलने की वजह से इस टिश्यू को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसको मेनली हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम दो तरह से हम इसे बांट सकते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम. सो इस तरीके की बात करें कि ये जो दो हिस्से दिख रहे हैं इस टिश्यू के अंदर, वो जाइलम और फ्लोएम है, और उनकी हम बारी बारी से बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है. तो यही उसको अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो ये जाइलम है और ये है फ्लोएम. ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो है वैस्कुलर टिश्यू कहे जाते हैं या ट्रांसपोर्टिव टिश्यू कह जाते हैं. जैसे कि हमने टिश्यू को मेनली तीन भागों में बांटा था, एक ग्राउंड टिश्यू जिसमें हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू और बाकी सब टिश्यू की बात की थी, दूसरा जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है. प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से, तो उसमें हमने बात करी कि एपिडर्मिक्स और कॉर्क है, और तीसरा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए यहाँ पे ये जो टिश्यू है ये दो तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है. इनकी डिटेल में हम थोड़ी बात करते हैं, इनके अलग अलग पार्ट के बारे में बात करते हैं. यानी ये कहें कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टिश्यू अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था, एक ही टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैन बी टू टाइप. ये दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं. ये हमने पहले भी बताया था, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम. तो ये जाइलम में भी अलग अलग हिस्से हैं, इनके चार हिस्से हैं, और फ्लोएम के भी चार हिस्से हैं, जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे कि ये कौन कौन से हिस्से हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशन है. ये क्या काम करते हैं सारे मिल करके, ये जो जाइलम और फ्लोएम हैं, ये वैस्कुलर टिश्यू कह जाते हैं. दीज आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू और ट्रांसपोर्टिव टिश्यू, और ट्रांसपोर्टिव टिश्यू, टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू और ट्रांसपोर्टिव टिश्यू इसको कहते हैं, क्योंकि ये मेनली जो है वो किसका काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं.
तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करते हैं और ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हम समझते हैं बारी बारी। सो दिस जाइलम एज कैन बी डिवाइडेड एज द अदर पार्ट ऑफ दिस जाइलम एज कॉल्ड हियर दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रैकेट्स ट्रैकेट्स एंड ट्रैकेट्स and this is called vessel. This part is, this is a cylindrical shape. You can see this. This is a cylindrical shape. What we have seen here, that cylindrical shape is called vessel. This cylindrical shape is called vessel. So this is a vessel. Basically, this is called vessel. Vessel, right? And then there is another part which is called jilin parenchyma. This is a part here. You see, this is a part. This part is called jilin. Parenchyma, jilin parenchyma, and this one is a thread-like structure that is a fiber called jilin fiber. Fiber. So you see the four part of this. This one is called this. This thing is called jilin parenchyma. This is the fiber like structure that is called jilin fiber, and this one is called vessel, and this one is called, this segment is called trachytes. And what the trachytes are doing, and that we will discuss one by one, that trachytes what doing is trachytes, jilin parenchyma, and trachytes. And this is jilin parenchyma. What we had learned that this is the another part, vessels and trachytes. These are the four basic part of this jilin. So we will try to understand this, how they are work and what they are doing. So let me write few things about this and then we will discuss about the phloem. Since this both are conducting tissue and constitute a vascular, since I may write, since both are jilin and phloem, both are conducting tissue. Conducting means transportation. Conducting tissue and constitute of vascular bundle. That is why this is called vascular tissue as well. So both of them are conducting tissue and constitute a vascular bundle. They are transporting the basically minerals and water from root to upper part of the tree. So roots, water and mineral, their basic thing is, purpose is transport the roots, water and minerals from root to upper part of the different part of the tree. So that is a, because of the transporting nature, they are called vascular tissue or transportive tissue, and they are conducting tissue as well. So what are the other parts? These are the four parts as we had discussed. There are four part of the jilin, and that is called trachyte, parenchyma, jilin parenchyma, jilin fiber and vessel. So this, what they are, each one of them are doing, let me explain this one by one. So the four part of jilin tissue, let me write here, jilin tissue has four part. The four part of jilin tissue, one is called trachytes, another is called vessel, third is jilin fiber, and fourth is jilin parenchyma. These are the four part of the jilin tissue, and we will try to understand that what these four parts has a role and how they are useful in transportation of water and mineral from root to other part of the tree, right? So jilin cell has thick wall. Jilin cell has thick wall, and many of them are dead cells, right? Many of them are dead cells, right?
ये जो जाइलम के जो दो पार्ट हैं बेसिकली, ये जो ट्रैकिड और वेसल हैं, इनके बारे में हम पहले सीखते हैं अगले पेज पे। सो दिस ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ट्रैकिड एंड वेसल्स आर यूज फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। यू नो दिस इज अ ट्रैकिड, आई हैव मार्क हियर, दिस इज अ ट्रैकिड, दे कैन यूज, दिस इज द ट्रैकिड एंड वेसल्स इज ऑल्सो वर्टिकल, सो दे कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन वर्टिकल डायरेक्शन, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप, यू नो। सो दिस इज यूज फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, वेयर एज दिस जाइलम पैरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ऑल, यू नो। सो दिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, लेट मी राइट हियर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सॉरी, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल, मिनरल, वेयर एज जाइलम पेरेन्काइमा, काइमा कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग जाइलम पेरेन्काइमा कंडक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, 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 राइट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। सो व्हाट द जाइलम फाइबर डू, व्हाट जाइलम फाइबर डू, जाइलम फाइबर इज इन सपोर्टिव एक्शन, एक्ट, जाइलम फाइबर हैज सपोर्टिव एक्ट, सपोर्टिव एक्ट, एक्शन, एक्ट, यू नो, जाइलम फाइबर है सपोर्टिव एक्ट, ये सपोर्ट करता है, ये बाकी सबको सपोर्ट करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो बेसिकली ये जो होते हैं, ये जो है वो सपोर्ट कैसे करेगा, जैसे बड़ा चीज एक लेके आए और उसके छोटे छोटे लोग इधर उधर आसपास में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या उसको स्टोर कर दिए, तो स्टोर करने के काम में भी आता है। और ये सपोर्टिंग एक्ट, पहले पेरेन्काइमा जो होता है ये सपोर्टिंग, जाइलम पेरेन्काइमा इट आल्सो सपोर्ट स्टोर ऑफ फूड एंड मिनरल्स एज वेल, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड मिनरल्स, खाना बनेगा तो खाना एक जगह रखा होना चाहिए और वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वैसे ही यहाँ पे रखा होता है, ये एक स्टोरेज की तरह भी काम करता है, और ये स्टोरेज की तरह काम करने से वहां से फिर चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जिधर जिधर इसकी मर्जी है। लेकिन जो बेसिक है, डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाटर और मिनरल्स की, जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में, लेकिन जो वाटर और मिनरल है उसके ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी ट्रैकिड और वेसल्स पे ही है, और वो इसके ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी बखूबी संभालते हैं। और ये जो जाइलम फाइबर है ये सब के लिए सपोर्टिंग एक्ट का काम करता है, ये फाइबर छोटे छोटे जगहों पे अपने आसपास चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। नाउ अब बात आती है किसकी, तो जो जाइलम की बात हो गई तो ऑफ कोर्स फ्लोएम की बात आएगी। तो फ्लोएम में भी चार तरह की चीजें होती है,
इसके अंदर भी ये जो फ्लोएम है इसके अंदर चार तरह की चीजें होती है, इस फ्लोएम के अंदर भी चार तरह की चीजें होती है। एक होता है सीव ट्यूब्स, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा होता है फ्लोएम फाइबर और तिसरा चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो जैसा ये चार होते हैं वैसे ही इनके भी चार हैं पार्ट कह सकते हैं, और चार पार्ट इनके क्या क्या होंगे इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उनके पार्ट के बारे में सीखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। सो हियर वी कैन राइट हियर फ्लोएम हैज ऑल्सो फोर पार्ट्स, फ्लोएम हैज फोर पार्ट फ्लोएम। Phloem has four part. One is sieve tube. Second is companion cell. Companion cells. Third is phloem. Phloem fiber. And the fourth is phloem parenchyma. So what they do, let me summarize this, how they and what they do. So how and what are the usage, before doing this, before discussing this, pehle ye pata kare ki ye milte kahan hain, ye hote kahan. So here is a sieve plate, sieve tubes. This is a tubular structure, tubular like tubular structure. Usme tubular structure kiska hota hai? उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जाइलम में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता था किसका, तो ये जो ट्रैकेट्स था और वेसल्स था, ये ट्रैकेट और वेसल्स की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती थी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती थी इनकी, राइट ना, इसकी ट्रैकेट की और वेसल्स की भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं यहां से यहां तक पूरी एक ट्यूब की तरह दिख रहा है, ट्यूब का एक पार्ट दिख रहा है, एक वेसल है, नाम ही है। सो दे हैव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें जो है सीव है और कंपेनियन सेल्स हैं। ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये जो चीज दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। ये जो है यहाँ पे, ये जो मैंने येलो से कलर किया है, दो पार्ट जो दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। ये जो है और ये जो है, इनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये कंपेनियन सेल्स हो गए, और ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है ये है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, राइट ना। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये पोर्शन, आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सीव ट्यूब्स। यहाँ पे है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सीव ट्यूब्स, है ना। और ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर मैं इसको येलो करूं तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कंपेनियन सेल्स हैं, जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये कंपेनियन सेल्स हो गए। और बाकी के जो इधर है वो क्या है, सीव ट्यूब्स है। और जो पीछे में इसके जो हिस्से ये हैं, इनको हम कहते हैं जाइलम फोलेम पैरेन्काइमा, ये है फोलेम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और ये जो ऊपर में दिख रहा है ये है फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पे इस फिगर में आप देखेंगे इस तरह से इसको हम कहते हैं, ये जो ऊपर में है, ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर में, ये जो है ये है फ्लोएम फाइबर्स, इनके जो ऊपर में स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्स के अलावा। सो ट्यूब्स के अलावा फ्लोएम फाइबर्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो है। और ये सीव ट्यूब्स बाकी के हैं, इधर पीछे का जो हिस्सा है वो है। तो आप यहाँ पे इसको साफ साफ देख पाएंगे कि ये जो चीज दिख रहे हैं, कि ये जो चीज है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है, ये है कंपेनियन सेल्स, ये है कंपेनियन सेल्स, है ना, और ये कंपेनियन सेल्स हैं। और बीच का जो हिस्सा है जो हमने पहले किया था कलर, ये है सीव ट्यूब्स, राइट। तो ये है सीव ट्यूब्स, और इसी तरह का ये भी है सीव ट्यूब्स, ठीक है ना। और ऊपर में जो है वो क्या है, वो है ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फ्लोएम फाइबर, और ये जो हिस्सा है, ये जो आपको दिखेगा यहाँ पे
दूसरे कलर से कर दूंगे। यस, यहाँ पे जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये सी प्लेट्स या फाइबर्स कहते हैं, ये होगा फ्लोएम फाइबर्स, यहाँ पे जो होगा वो होगा फ्लोएम फाइबर्स। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये जो होता है अनलाइक, उसमें क्या होता है कि जाइलम में वन वे ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक नीचे से वर्टिकल ऊपर की ओर जो सीव और वेसल्स और ट्रैकेट्स करते हैं, और दूसरा जो पेरेन्काइमा होता है वो लैटरल लैटरल जो होता है यानी पैरेलल जो होता है वो उधर ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन यहाँ पर जाइलम में दोनों के दोनों ओर से ट्रांसपोर्टेशन होती है, अर्थात फूड जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो लीफ पे बनता है, और लीफ पर बनता है वहां से ट्रांसपोर्ट करने का, जो अलग अलग पार्ट है प्लांट्स के वहां पे ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फ्लोएम की होती है। तो फ्लोएम अपने इन चार चेलों की मदद से जो है वो फूड को यहाँ से वहां और वहां से वहां ट्रांसफर करता रहता है, और ये टू वे होता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है टू वे। सो फ्लोएम कैन ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम हैज टू वे ट्रांसपोर्टेशन, टू वे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स अदर पार्ट ऑफ द। तो ये आप देख पाए जिसमें ये दोनों ओर से ट्रांसपोर्टेशन इसमें होती है, टू वे ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी बोथ डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन, इन बोथ डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट, टू वे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन बोथ डायरेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इन बोथ डायरेक्शन, यानी खास बात क्या है, बोथ डायरेक्शन इन जाइलम ट्रांसपोर्टेशन इज, इन जाइलम ट्रांसपोर्टेशन इज वन वे, ट्रांसपोर्टेशन इज वन वे, ट्रांसपोर्टेशन इज वन वे, ट्रांसपोर्टेशन इज वन वे, राइट ना। तो ये ट्यूब्स जो है, और ये जो ट्यूब ट्यूब है, ये इसका भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। और इस प्रकार से इनके अगर अलग अलग सेगमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह के हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये इनका सेगमेंट है, आप देखिए ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक सेल होते हैं, तो सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, साइटोप्लाज्म ही होगा ही होगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जाइलम पेरेन्काइमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हिस्सा है, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो चीज दिख रही है वो है जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, राइट। ये जाइलम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जाइलम पेरेन्काइमा का, और ये जो है ये जो वेसल की तरह दिख रहा है ये वेसल का स्ट्रक्चर है, यानी ये जाइलम का जो दूसरा पार्ट है उसका ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी वेसल है जो सीधे नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें जो मटेरियल होती है वो नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और ये जो चीज है ये ट्रैकिड का हिस्सा है जो हमने बगल में आपको दिखाया था, ट्रैकिड का हिस्सा है, ये ट्रैकिड जो है वो नीचे से ये भी ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो फाइनली हम ये सीख पाए कि जो दो कम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट हैं जाइलम और फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्टिव टिश्यू क्यों है, और ये ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से करते हैं। इसलिए इसको वैस्कुलर टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेसल्स होती हैं, इसमें जो होता है होल होता है, और उस होल के जरिए पाइप होती है, ट्यूब होती है, इस तरह से इसके जरिए ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करते हैं इसलिए इसको ट्रांसपोर्टिव टिश्यू कहा जाता है, चूंकि वेसल्स की तरह है इसलिए इसके वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। तो आप तीन तरह के टिश्यू के बारे में समझ पाए और सीख पाए, और उन तीनों में ही एक बात कॉमन है कि क्या है, सब मिलजुल करके प्लांट को
सपोर्ट प्रदान करते हैं, प्लांट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म हुआ और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें लिखें। ये एक बात आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक का कोई कालिदास बनाने वाला नहीं हूं और ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे कि कोई कालिदास बन सके या टॉपिक का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस और बहुत ज्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। ये जो बेसिक लेवल का साइंस की, जनरल साइंस की जो जरूरतें हैं, जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए और जो स्कूल लेवल के लिए जरूरी है, वो हम बताए हैं आपको। और बहुत ज्यादा डिटेल्स इससे ज्यादा जानने के लिए हायर स्टडी करनी पड़ेगी, जिसकी जरूरत मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, और हमने उतनी ही बात रखी है, हायर स्टडी के लिए बात बहुत आगे तक जाती है, जो कि जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू राइट टू अस एट arvindsingacademy@gmail.com। राइट, सो थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।